हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वर संतोष भदौरिया, क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक डिस्काउंट टाइप नंबर 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके लेके आए हैं। देखिए, एमपी ऑफ अ चेयर, मतलब मार्क प्राइस चेयर का है ₹800, ट्रेडमैन बाय इट एट डिस्काउंट्स 10% एंड 15% ही स्पेंड ₹28 ऑन इट्स कैरिंग, ले जाने में ₹28 खर्च कर रहा है। उसके बाद वो सेल कर रहा है 800 में, तो उसको कितने परसेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है ये पता करना है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, तो यहां पे ये प्राइस एट कितने परसेंट, टू डिस्काउंट्स हैं, 10% एंड 15%। डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या आएगी देखिए, तो एमपी इंटू 100 माइनस 10/100, 90/100 फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड है 85/100 सेकंड डिस्काउंट, ये 20 से 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 25 जा, 24 जा, 517। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिला, ₹612। तो उसने ये खरीदा है, ट्रेडमैन ने चेयर को इतने रुपए में 612 में खरीदा है। रियल सीपी उसको कितने का पड़ेगा, क्योंकि तो उसने ही स्पेंड्स ₹28 और कैरिंग। रियल सीपी ऑफ चेयर तो 612 + 28 तो ₹640। ये देखिए, अब इसके बाद सेंस ट्रेड्समैन सोल्ड इट ऑन ₹800, 800 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 800 माइनस 640 इक्वल टू ₹160। तो अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी क्या है 640 इंटू 100, 25%। तो ट्रेड मैन को कितना फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल प्राइस, आर्टिकल की प्राइस 3000 रुपीज है और डिस्काउंट दे रहा है वो 20% और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है कितना 10%। फाइंड न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए, तो पहले डिस्काउंट प्राइस देखिए, तो एट कितना 3000 इंटू डिस्काउंट 20% है, तो 100 - 20 ये आ गया। देखिए, तो 3 + 8 = 24 डिस्काउंट के बाद प्राइस ये हो गई उसकी। अब इंक्रीज प्राइस देखो, ये डिस्काउंट प्राइस है,
इसको 10% रिन्यू कर रहा है, तो 100 प्लस 10 वन 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 फोर या 44 कैरी 4, 11 टू या 22 फोर 26, तो इंक्रीज प्राइस या न्यू प्राइस उसकी कितनी हो गई है, देयर फॉर न्यू प्राइस रुपीज 2640। देखिए तो पहले आर्टिकल में प्राइस था 3000 और 20% डिस्काउंट के बाद वो 2400 रुपीज का हो गया, अब इस पर इंक्रीज किया 10% इंक्रीज किया है, तो प्राइस इनटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100, तो 2640 रुपीज ये न्यू प्राइस हो गई उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमपी ऑफ एन आर्टिकल 1000 है, तो यहां दो तरीके के डिस्काउंट है, एक 10 20 10 10 30 और 20 20 10, तो कस्टमर को किस प्राइस पे फायदा रहेगा, बेनिफिशियल होगा, ये पता करना है। देखिए तो ये देखिए, इन फर्स्ट कंडीशन तो एसपी हो जाएगा ये 1000 इंटू 10% डिस्काउंट है, तो 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 और 70 अपॉन 100। देखिए 100 माइनस 10 100 माइनस 10 100 माइनस 30 ये आ गया 1 2 3 1 2 3 0 0 0, सब कैंसिल हो गए, 997 ये बचा है, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 567 फर्स्ट कंडीशन में। इन सेकंड कंडीशन में एमपी तो वही है, तो एमपी कितना है इसका मार्क प्राइस 1000, अब 20 20 10, तो 100 माइनस 20 80 अपॉन 100, 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 80 अपॉन 100, फिर कैंसिल हो गया 1 2 3 1 2 3, फिर ये 0 0 0, सब कैंसिल हो गए, 10 है तो 10 है तो ये 90 हो जाएगा 90, अब इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 576। देखिए तो ये सेकंड डिस्काउंट में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, देखो तो सेविंग 576 माइनस 567 रुपीज 9, तो सेकंड डिस्काउंट पे उसको खरीदना चाहिए तो उसे कितने 9 रुपीज का फायदा हो रहा है।